सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ओला सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये वीडियो थोड़ी सी आपको सैड करने वाली लेकिन इंपॉर्टेंट थी, वीडियो बनानी तो मैं बना रहा हूँ गाइस। एक बुरी खबर निकल के आ रही है सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, एक बुरी खबर निकल के आ रही है बच्चों के लिए। क्या बुरी खबर है वो तो गाइस सरप्राइज है, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर पहले स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे मेरे से लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सी बुक परचेज करें। तो मैं आप सभी को गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं तो क्लास 10th के 12th के सभी बच्चों में बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को ये बुक परचेज करनी चाहिए, CBSE चैप्टर वाइज वर्कशीट क्लास 10th बुक। ये गाइस आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जल्दी जाके खरीद लो। मैं आपको बताता हूँ क्यों खरीदनी चाहिए गाइस। देखो, मेरे घर के आसपास जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर आपको एक बुक कॉमन मिलेगी, ये वाली। हर एक बच्चे के हाथ में मैंने एक बुक देखी, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है इस बुक के अंदर। तो मैंने जब पता किया तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मेरे को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन जब से बुक खरीदी ना पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि आपको इस बुक का जो मटेरियल है, जो देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इस बुक के अंदर क्लास 10th के लगभग जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, तीनों का मटेरियल आपको इसी बुक में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको वर्कशीट्स मिल जाएगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ अनसॉल्व पेपर भी है जिनका स्कैन कोड यहाँ पे लगाया हुआ है। आप इसको स्कैन करके आप उन पेपर्स के भी सॉल्यूशन आपको इसी बुक के थ्रू मिल जाएगी। मतलब आपको प्रैक्टिस भी इसी बुक से करने को मिल जाएगी, आपको लर्न भी इसी बुक से करने को मिल जाएगा और सबसे स्पेशल बात, आपको कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर आंसर लिखना है, कैसे बोर्ड का पेपर को अटेम्प्ट करना, वो भी आपको इसी बुक से हो जाएगा। तो कुल मिला के सब कुछ आपको एक ही बुक से मिल रहा है, तो इसलिए बच्चे इस बुक को खरीद रहे हैं। इस बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, एक ही बुक के अंदर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस, NCERT सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर और सबसे स्पेशल बात प्रैक्टिस पेपर, बोर्ड के आपके जो सैम्पल पेपर है वो सब कुछ आपको एक ही बुक में मिल रहा है और चैप्टर वाइज वर्कशीट तो मिल ही रही है। तो आप बिना सोचे समझे इस बुक को खरीद लो, बुक का मटेरियल बहुत अच्छा है। और क्लास 10th वाले सोच रहे होंगे कि ये बुक सबके लिए है, मतलब क्लास 12th वाले सोच रहे होंगे कि ये बुक हमारे लिए है नहीं, तो हाँ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और क्लास 10th वाले बच्चों को, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे जाओगे आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। CBSE की चैप्टर वाइज वर्कशीट की जो सीरीज़ है आपको पूरी मिल जाएगी, तो ज़्यादा सोचो मत, बहुत अच्छा कंटेंट है। आपको मैं यही बोलूँगा, अभी जाओ जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जल्दी से परचेज कर लो। ज़्यादा बातें करते नहीं वरना आप लोग सोचोगे पेड प्रमोशन है, बस इतना बोलूँगा कि जल्दी जाओ, अच्छा मटेरियल है। अब बात करते हैं गाइस बैड न्यूज़ के बारे में। देखो बैड न्यूज़ एक्चुअली क्या है CBSE की, कि CBSE ने वापस से 75% अटेंडेंस वाला रूल बना दिया है। मतलब अगर किसी की अटेंडेंस इससे कम हुई तो उसके बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई पैसा इस बार नहीं चलेगा। कहने का मतलब है जिस बच्चे के 75% से कम अटेंडेंस होती है स्कूल में उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, और अगर वो पैसा देकर करना चाहेगा पास होना वो भी नहीं होगा। मतलब पैसा देकर भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल क्या होता था बच्चे फाइन दे देते थे 2-3 हज़ार रुपये और उसका एडमिट कार्ड मिल जाता, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होगा, अटेंडेंस कम कोई एडमिट कार्ड नहीं। अब मैं गाइस आपको एक बात कहना चाहूँगा कि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, अभी हो सके तो जितना हो सके स्कूल जाओ, छुट्टियाँ कम से कम करो। पहले अपने स्कूल में टीचर से पूछो मेरी अटेंडेंस कितनी है और मेरे को कितने दिन और आना है जिससे मेरी 75% अटेंडेंस हो जाए, ये उनसे पूछोगे टीचर, ऐसे टीचर को जाके सीधा मत पूछना वरना आपको वो पीट देगा। आपको मैं इतना बोलूँगा, आपको टीचर ढूंढना आपका जो अच्छा है उससे कांटेक्ट करना, उसको पूछना कि सर मेरे को साल में कितने दिन आना पड़ेगा कि मेरी 75% अटेंडेंस पूरी हो जाए, उतने दिन चले जाना, उसके बाद में आराम से हॉलीडेज़ करना, वरना क्या होगा आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। इशू का मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि पता है एंड में कई बार अटेंडेंस की वजह से ये टीचर वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिलते, बोर्ड एग्जाम से लगभग एक दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। और इस बार तो CBSE ने ओपनली बात कह दी कि हम नहीं देगी, तो सीरियसली लेना, स्कूल जाना, जस्ट 75% अटेंडेंस हो जाए उसके बाद में आराम से हॉलीडे ले लेना। तो बुरी खबर है लेकिन मैं तो इतना ही बोलूँगा, ये बुरी खबर है लेकिन अच्छी भी है, क्योंकि जितना स्कूल जाओगे उतना ही आपके पढ़ाई पे फोकस होगा। तो आज की वीडियो में इतना, इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर सभी CBSE की अपडेट मिलती रहेगी। जल्द मुलाकात करेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक देखते रहो हमारे चैनल GP एडवाइस को। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।